फिगर शोज अ ग्लास स्फेयर ऑफ रेडियस, तो ग्लास स्फेयर है जिसका रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, अलोंग डायमीटर ए बी, ए बी फ्रॉम वन साइड ऑफ अ पैरेलल बीम ऑफ पैरेक्सियल रेस, पैरेक्सियल रेस का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ रेस जा रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस सीधी आ रही है, फाइंड म्यू टू, तो रिफ्रैक्शन म्यू वन से म्यू टू पे हो रहा है, आपको म्यू टू निकालना है ऑफ अ ग्लास, सो दैट आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑल रेज विल कन्वर्ज एट द ऑपोजिट एंड बी, तो रेज कहां पर कन्वर्ज होंगे, वो कहता है बी पे कन्वर्ज हो, ठीक है यहां तक। तो रूल नंबर वन, रिफ्रैक्शन कहां से कहां हो रही है, रेयरर टू डेंसर, पोल कहां पर मिलेगा, ये पोल है, म्यू वन पता है, म्यू टू निकालना है, रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला रेयरर टू डेंसर लगेगा, यू कहां पर है, इंफिनिटी, क्योंकि रेज पैरेलल आ रही है तो यू क्या हो गया, इंफिनिटी, और इमेज कहां बननी चाहिए, वो कह रहे हैं बी पे, बी पे इमेज बनने का मतलब कि पोल से दूरी कितनी है, डायमीटर जितनी, और रेडियस इसका 10 है तो इसका इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, 20 प्लस 20, क्योंकि रेज राइट आ रही है और डिस्टेंस भी टुवर्ड्स राइट है, तो यहां पर वी की वैल्यू प्लस 20, रेडियस भी पॉजिटिव है क्योंकि पोल से यह डिस्टेंस राइट की तरफ पॉजिटिव है, तो आर भी पॉजिटिव, वी भी पॉजिटिव, म्यू वन पता है, म्यू टू नहीं पता, रिफ्रैक्शन रेयरर टू डेंसर है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि इसमें कैसे, आपने देखो स्टाइल वही है जैसे हम नॉर्मल कर रहे थे, तो बस इसमें यू इंफिनिटी और वी आपको डायमीटर जितना गिवन है, ठीक है यहां तक। ये टाइप की प्रॉब्लम देखो, इस क्वेश्चन को स्फेरिकल सरफेस एस सेपरेट्स टू मीडिया वन एंड टू, तो वन और टू दो मीडिया हैं, म्यू वन पता है, म्यू टू पता है, म्यू टू 3/2 बड़ा होता है, 4/3 छोटा होता है, और रेज ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर जा रही हैं, तो रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। अब वो क्या कह रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा है, मीडियम वन में, तो ऑब्जेक्ट रेयरर में है, तो रिफ्रैक्शन रेयरर से डेंसर होगा क्योंकि रेयरर से ही डेंसर में रेज जाएंगी। आगे आपको वो कह रहा है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज जो है वो पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस हो जाती है, ऑप्टिकल एक्सिस का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज यहां से चली, कह रहा है पैरेलल हो गई, इस बार वी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो यू आपको इसमें निकालना है, म्यू वन पता है, म्यू टू पता है, रेयरर टू डेंसर पता है, आपको इसमें वी क्या पता है, इन्फिनिटी। रेडियस इस क्वेश्चन में रेडियस कितना गिवन है, 30, 30 कहां गिवन है, नहीं गिवन ना, इसमें गिवन होना चाहिए, रेडियस गिवन करो, इसमें रेडियस इसमें गिवन है, रेडियस इज 30, प्लस 30 की माइनस 30, प्लस 30 क्योंकि रेडियस कहां है, टुवर्ड्स राइट, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, यू निकालना है, वी इंफिनिटी, म्यू वन पता है, म्यू टू पता है, रेडियस पता है, रिफ्रैक्शन रेयरर टू डेंसर, सॉल्व करके यू कैन बी कैलकुलेटेड, और यू नेगेटिव आना चाहिए, अगर पॉजिटिव आ गया इसका मतलब क्वेश्चन गलत है, क्योंकि नेगेटिव का मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट आना चाहिए। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे सोच रहे हैं इसमें, ठीक। ये तो फिर भी सिमिलर क्वेश्चंस हैं, जो ये क्वेश्चन है ये हमने किया, ये नया क्वेश्चन है, इसको एक बार प्लीज क्वेश्चन पढ़ना, क्या क्वेश्चन है ये देखो, टाइप की प्रॉब्लम हमने नहीं की। क्वेश्चन है,
अ ग्लास हेमिस्फेयर इज प्लेस्ड ऑन अ वाइट हॉरिजॉन्टल शीट. तो कह रहा है कि एक सपोज करो एक ग्लास का हेमिस्फेयर है और एक शीट के ऊपर हमने उसे रख दिया, उल्टा करके रख दिया. तो ये देखो एक ग्लास का हेमिस्फेयर लेते हैं हम भी, ये एक ग्लास का हेमिस्फेयर है और ये एक वाइट शीट के ऊपर हमने रख दिया, ठीक है. अब हुआ क्या, कह रहे रेज ऑफ लाइट पैरेलल आती हैं यहां से सच दैट ये जो डिस्टेंस है, ये जो डायमीटर है, यहां से एंटर करती हैं, ये जो डायमीटर गिवन है वो डी है, तो डी डायमीटर से एंटर करती हैं, डी डायमीटर में रेज एंटर करती हैं, तो इनकी क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी. तो यहां पर इनकी रिफ्रैक्शन होती है, लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाती है, कुछ बेंड होती है, कुछ इस तरीके से बेंडिंग होगी, अंदर की तरफ लाइट आ गई. क्वेश्चन है कि ये जो नीचे लाइट इकट्ठी होगी यहां पे इसका डायमीटर डी डैश क्या होगा, ये डायमीटर डी डैश निकालना है. यहां तक तो लाइट ऊपर डी डायमीटर से एंटर होती है क्योंकि लाइट को बिल्कुल बेंड होके सीधा होते 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 क्या करना है, लाइट जो है एक्चुअल में मिलेगी पता है कहां पे, लाइट एक्चुअल में ऐसा कुछ यहां मिलनी चाहिए थी पर रास्ते में तो स्लैब खत्म हो गई, वो वाइट शीट आ गई तो अंदर लाइट जा नहीं पाई, तो इसलिए एक्चुअल में तो यहां मिलनी चाहिए थी पर रुक गई यहां पर, तो डायमीटर डी डैश निकालना है. तो क्वेश्चन समझ में आया क्या क्वेश्चन है, तो डी से एंटर करती है, डी डैश निकालना है. रेडियस इस क्वेश्चन में गिवन है, ये रेडियस कितना है, ये आर रेडियस गिवन है, इसमें हेमिस्फीयर का रेडियस गिवन है आपको, म्यू वन एयर गिवन है वन, आपको इस क्वेश्चन में म्यू टू की वैल्यू 3/2 गिवन है, 3/2 गिवन है. ये देखो तो यहां पर ये म्यू टू कितना गिवन है, 3/2 गिवन है, ठीक है. यहां तक रिफ्रैक्शन कहां पे हो रही है, बस यहां पे हो रही है, यहां तो लाइट गई नहीं ना एक्चुअल में, तो मैंने खुद बनाया है, लाइट गई थोड़ी ना, लाइट तो यहां पर रुक गई, तो रिफ्रैक्शन यहां पर टॉप की सरफेस पे हो रही है. ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है. अब रिफ्रैक्शन क्योंकि टॉप की सरफेस पे हो रही है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर ये मीडियम क्या है, दिस इज रेयरर एंड दिस इज डेंसर. तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, फॉर्मूला लगेगा. इस फॉर्मूले में रेयरर टू डेंसर का लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मूला क्या किया था, यह फॉर्मूला किया था, ये रहा फॉर्मूला. इस फॉर्मूले में यह बताओ कि u क्या लेंगे, इंफिनिटी, क्योंकि रेज इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही हैं, तो u को लेंगे इंफिनिटी. इस क्वेश्चन के अंदर म्यू वन क्या है, वन, म्यू टू क्या है, 3/2, ये कितना है, वन. सॉल्व करके क्या आएगा, v इन टर्म्स ऑफ r, तो इन टर्म्स ऑफ r की टर्म्स में आपका आंसर आएगा 3r, जो आप सॉल्व करेंगे आंसर 3r आएगा. मतलब कि अगर ये मेरा पोल है, अगर ये पोल है तो एक्चुअल में जो इमेज बननी चाहिए वो कहां पे बननी चाहिए, 3r पे बननी चाहिए, कहां से, पोल से. तो अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर पोल की बात करूं तो ये मेरा पोल है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये पूरे का पूरा डिस्टेंस अगर मैं प्लॉट करूं, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना आना चाहिए, ये 3r आना चाहिए, पूरे का पूरा, मैं डार्क कर देता हूं ये वाला, ये पूरे का पूरा डिस्टेंस क्या आना चाहिए, 3r. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लाइट यहां पर रुकी नहीं है, लाइट यहां तक नहीं आई, लाइट यहीं तक है, सही है यहां तक. अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं, अगर ये टोटल 3r है उसमें से ये r है तो ये वाला डिस्टेंस कितना बच गया, बोलो 2r, टोटल 3r है, ये रेडियस r है, देखने में नहीं लग रहा, बात अलग है, टोटल 3r है, ये r है, तो ये कितना है, 2r है. क्लियर है यहां तक. अब आखिरी स्टेप देख लो इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर सिमिलैरिटी लगेगी, एक ये ट्राइंगल ले लेते हैं, एक ये वाला ट्राइंगल लेते हैं और दूसरा ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, नीचे वाला, एक ऊपर वाला और एक बीच में ये नीचे वाला. क्लियर है यहां तक. तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर टोटल डिस्टेंस, टोटल हाइट, बड़े ट्राइंगल की टोटल हाइट क्या है, 3r, छोटे ट्राइंगल की हाइट कितनी है, 2r, तो 3r by 2r, और बड़े ट्राइंगल का डायमीटर कितना है या रेडियस कितना है, d/2, छोटे का रेडियस कितना है, d-by 2, तो सिमिलैरिटी लगा ली.
सिमिलैरिटी लगा के 2 से 2 हो गया कैंसल, r से r हो गया कैंसल, तो 3 बाई 2 इज इक्वल टू डी बाई डी डैश, तो डी डैश की वैल्यू क्या आएगी 2 बाई 3 टाइम्स डी इज द आंसर। समझ में आ रहा है कैसे सोचना है इसमें, पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो पहले आपने टोटल डिस्टेंस निकाल लेना 3r, फिर आपने r से माइनस करके ये डिस्टेंस निकालना है 2r, फिर आपने बड़ा और छोटा ट्राइंगल लेना है, तो बड़े ट्राइंगल की हाइट बाई छोटे ट्राइंगल की हाइट, बड़े ट्राइंगल का रेडियस अपॉन छोटे ट्राइंगल का रेडियस, आंसर। क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर, यस। ठीक, ओके। तो इसमें रिफ्रैक्टिंग सरफेस यहीं तक है।